राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया के बाद वो नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा एम्स के डॉक्टर विनोद पॉल को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। अध्ययन के क्षेत्र में वापस जाने के बाद अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे के बाद 5 दिनों के बाद ये नियुक्ति हुई है। डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। लखनऊ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। फिक्की सीआई में वो कई बड़े पदों पर रह भी चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी वो लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। तो अरविंद पनगड़िया की जगह लेंगे राजीव कुमार, और इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। आलोक, जिस तरह से अरविंद पनगड़िया का इस्तीफा हुआ था, फिर ये बातें सामने आई थी कि सरकारी दखलअंदाजी के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन अब राजीव कुमार के सामने क्या वही चीजें जो है चुनौती के तौर पर उभर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, नीति आयोग ऐसी संस्थान है जिसको प्लानिंग कमीशन, जो आइकॉनिक संस्था थी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एस्टैब्लिश किया था, उसकी जगह पर बनाया गया था। और नीति आयोग से एक्सपेक्टेशन थे कि ऐसी पॉलिसी बोला है कि देश के हर नागरिक को उस पॉलिसी का फायदा मिले। लेकिन बहुत सारे लोगों की इस बात को लेकर आलोचना है कि नीति आयोग ने पिछले दिनों जब से नीति आयोग का गठन हुआ है तब से उसकी पॉलिसीज ऐसी रही जो कि एक तरह से एंटी पुअर एंटी फार्मर के तौर पर गई। तो देखना होगा कि जो राजीव कुमार है, हालांकि राजीव कुमार ने भी पहले भी नीति आयोग में काम किया हुआ है, वो विजन डॉक्यूमेंट जो बन रहा था 3 इयर्स का, उसमें वो मेंबर्स भी थे। तो वो किस तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है नीति आयोग में, और जो नीति आयोग से जो उम्मीद की जाती है कि एक थिंक टैंक के तौर पर काम करे, सरकार के लिए पॉलिसी मूवमेंट के लिए फॉरवर्ड करे, वो काम किस तरह से कर पाते हैं। हालांकि राजीव कुमार के पास भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, उनके पास सीपीआर में रह चुके हैं, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उसके बाद अगर कहें तो एक्रियर में भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड से पढ़े भी हुए हैं, लखनऊ से उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है। तो ये तमाम उनके पास एक तरह से देशी और विदेशी दोनों अनुभव उनके पास है, और इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है राजीव कुमार से कि वो देश की एक कह सकते हैं कि एक छोटी से छोटी समस्या से लेकर जो बड़ी माइक्रो इकोनॉमिक से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक तक की सारी जो दिक्कतें हैं वो समझेंगे और उसी हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। उनके साथ अमिताभ कांत होंगे सीईओ, और देखना होगा कि दोनों लोगों का किस तरह से तालमेल बैठता है, क्योंकि नीति आयोग में इस बात की भी बातचीत आ रही थी कि कुछ वहां पर पावर सेंटर्स बन गए थे। हालांकि राजीव कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो हर जगह एक तरह से कहें तो एक इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो अपना बना लेते हैं, तो अब देखना होगा कि वो किस तरह से यहाँ पे नीति आयोग में वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, काफी महत्वपूर्ण पद है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। आलोक, वैसे तो राजीव कुमार बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, भारतीय इकोनॉमी के जानकार भी माने जाते हैं, उनके सामने कई चुनौतियां तो है और उनसे उम्मीदें भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए, आप अगर देखें तो जो भी अरविंद पनगड़िया के जो भी आलोचक रहे हैं या बीजेपी में कुछ धड़े ऐसे रहे हैं कि बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश से किसी को लाने की जरूरत नहीं है, देश से कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो कि जिसको देश की समझ हो, और अगर बात करें तो इसमें अगर राजीव कुमार बिल्कुल खड़े उतरते हैं और उनको मैक्रो इकोनॉमिक से लेकर माइक्रो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हर चीज को उन्होंने काफी अच्छी किताब इकोनॉमी और सिक्योरिटी पे किताब भी लिखी हुई है, उनके पास काफी वाइड एक्सपीरियंस भी है, तो वो चाहे तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी का नीति आयोग को लेकर एक विजन है उस विजन को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके पास अनुभव भी है, उनके पास एक तरह से ग्रास रूट उनके पास समझ भी है, तो वो इस चीजों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद पनगड़िया की जगह जो है वो अब लेके राजीव कुमार नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं।